अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आए हो कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे? तो काफ़ी लंबे गैप के बाद आज मैं फिर से हाज़िर हो गई हूँ। मैंने सोचा कि अपने चैनल को फिर से स्टार्ट कर लेती हूँ। अब कुछ लोग जो शुरू से मेरी वीडियोस को देखते थे तो मुझे क्वेश्चन करेंगे कि आप इतने टाइम के लिए कहाँ थी। एक्चुअली हम लोग जब उमरा कर किया था ना, उसके बाद से मैंने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया था। तो फिर हम लोग पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे, तो काफ़ी टाइम हो गया मैं यहाँ आए हुए, भी एक साल के करीब होने वाला है। तो मैं बस कुछ वजूहात ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने चैनल को छोड़ दिया था। तो खैर अब मैं चाहती हूँ ख़ुद को बिज़ी रखना, तो फिर कभी किसी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बता दूँगी क्या वजह थी कि जो मैंने चैनल छोड़ा और मेरा दिल नहीं कर रहा था। खैर मैंने सोचा कि मुझे फिर से स्टार्ट करना चाहिए। काफ़ी मतलब बिज़ी रूटीन हो जाती है आपकी और फिर आपको टाइम नहीं मिलता, खाली दिमाग होता है, तो तरह तरह की सोचें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। खैर चलें कोई नहीं है, तो नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको लाजमी बताऊंगी कि क्यों मैंने चैनल छोड़ दिया था, क्या वजहें थी। खैर छोड़ें इस बात को, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं आज की रूटीन मेरी। सबसे पहले उठती हूँ मैं, अपने घर की सफाई करती हूँ, क्लीनिंग सारी करने के बाद सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि मैं खाना रात का बना लूँ। मैं रात का खाना 2:30-3 बजे तक बना लेती हूँ। एक्चुअली ऐसा है ना यार, यहाँ पर ये होता है कि कराची में वैसे तो हर जगह 9:30 बजे के बाद गैस चली जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है कि 6 बजे, कभी कभी ऐसा होता है कि 6 बजे तक चली जाती है गैस, और कभी ऐसा होता है 6 बजे के बाद भी होती है। तो इस वजह से 2-3 दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि खाना नहीं बन पाया मेरा और गैस चली जाती थी, इसलिए मैं अब जल्दी बना लेती हूँ। मैंने अफ़ान के लिए कुछ उसके लंच बॉक्स के लिए ना कुछ चीज़ें बना के रखी हुई थी, तो बस मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी और बाकी अपने काम करूँगी। आज हमारे घर में बन रही है बिरयानी, झटपट सी बिरयानी बनाती हूँ मैं, कोई बहुत ज़्यादा तरद्दद वाला काम नहीं करती, बस अपनी आसानी के लिए और टाइम की बचत के लिए, तो बस जितनी जल्दी हो सके मैं बना लेती हूँ। बहुत मुश्किल तरीका नहीं है मेरा बनाना, बहुत आसान काम है। तो खैर जिस दिन हम पाकिस्तानी लोग हैं भाई, जिस दिन हमारे घर में बिरयानी बनती है ना, उस दिन हमारे घर में ईद होती है। हफ्ते में एक दिन लाजमी हमारे यहाँ बिरयानी बनती है। तो खैर यहाँ पर ये देखें जी, मैं अब 1 किलो बिरयानी बनाऊँगी। तो आज मैंने सोचा हुआ था कि हमारे जो नेबर्स हैं शिफ्टिंग हो रही है उनकी, तो मैंने उनके यहाँ बिरयानी भेजनी है। तो बस मैं 2-3 दिनों से यही सोच रही थी कि मैंने उनके लिए लाजमी भेजनी है, तो बस आज टाइम मिला तो मैंने कहा चलो जी बना लेती हूँ, तो उनको भिजवा देती हूँ। बस यहाँ पर प्याज ब्राउन हो गया था, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया, और जिस दिन मुझे जल्दी होती है ना मोहन, उस दिन मैं टमाटर जो है वो पीस के डाल देती हूँ। तो बस उसके बाद मैं ज़्यादा मुश्किल काम नहीं करती, बिरयानी मसाला डालूंगी, हरी मिर्चें डालूंगी, और मसाला जब अच्छे से भुन जाए तो उसमें चिकन ऐड कर दूंगी। बड़ी ही आसान रेसिपी है मेरी, कोई मुश्किल नहीं है, कोई इतना टाइम टेकिंग नहीं है, तो आराम से बन जाती है। तो मुझसे नहीं होता ये कर लो वो कर लो, इतना लोग बिरयानी के लिए करते हैं। खैर बस मैं मसाला डाल देती हूँ और चिकन डाल देती हूँ, बस ऐसे ही तेल लगा लेती हूँ। खैर और बाकी ये जैसे जैसे ही किचन में काम है, वो बिरयानी जिस दिन बनती है ना हमारे किचन में, मेरे किचन में क्या सभी के किचन में बहुत ज़्यादा बर्तन जमा हो जाते हैं, बिरयानी में इतने बर्तन गंदे होते हैं। तो खैर मैं जमा नहीं होने देती बर्तन, मैं हाथ के हाथ धो लेती हूँ बर्तन, तो इस तरह ये कि आसानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा फैलावा नहीं होता। तो अगर हो जाए तो फिर बंदा देख के बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैं अपने किचन में एक बर्तन भी ऐसे नहीं छोड़ती गंदा, वो फ़ौरन हाथ के हाथ धो लेती हूँ। बस यहाँ मसाला मेरा भुन गया है, तो चिकन ऐड कर लूँगी मैं इसमें। बस हम जो हाउसवाइफ होती हैं ना, तो हमारा यही होता है कि हम अपने काम जल्दी जल्दी से ख़त्म कर ले, और हमारे काम ख़त्म कभी होते भी नहीं है। एक काम ख़त्म करके बैठते हैं तो फिर घर में दूसरा काम आता है, वो ख़त्म करते हैं तो फिर तीसरा काम आता है, और फिर कहते हैं चलें ये भी कर लेते हैं, चलें ये भी कर लेते हैं। तो हमें संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती, 24 घंटों की हमारा यही होता है कि हम काम काम बस काम कर रहे होते हैं। तो खैर ऐसे ही बंदा एक्टिव रहता है। तो इसके बाद जी अफ़ान को मैं काम करवाती हूँ, जैसे ही मेरा सारा किचन क्लियर हो जाएगा उसके बाद मैं अफ़ान को लेके बैठ जाती हूँ, उसका काम करवाती हूँ। पहले अफ़ान को मैंने ट्यूशन में डाला हुआ था, तो अब उसको ट्यूशन से हटा दिया है, तो मैंने सोचा मैं खुद ही इसका कर लेती हूँ, काफ़ी टाइम लेता है वो। तो बस मेरी कोशिश ये कि अभी नेक्स्ट मैंने अफ़ान का काम करवाना है, स्कूल का होमवर्क करवाना है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ाना है, तो उसके बाद ये है कि मैं बिरयानी के जो चावल हैं
बाद में बॉयल कर लूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं आराम से मैंने उसको हल्की आंच पे चिकन को रख दिया है और इसके अलावा मैंने चिकन निकाल के रख दिया। आज मैंने सोचा था शामी कबाब मेरे ख़त्म हो गए हैं, शामी कबाब मैंने बना के रखने हैं। तो कभी ऐसा होता है कि दिल नहीं करता खाना बनाने का, तो शामी कबाब जो है फ्राई करके ना तो फिर वो खाने में खा लेते हैं तो आसानी हो जाती है। अच्छा जी, मैंने अफ़ान को साथ साथ बिठाया हुआ है, उसको भी काम करवा रही हूँ और साथ साथ मैंने काउंटर टॉप जो है वो भी मैंने क्लियर कर लिया है, साफ़ सुथरा कर लिया है। फिर मैं आ गई थी अपनी बालकनी में, यहाँ पर मैंने कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं तो आजकल मैं इनकी केयर नहीं कर रही, तो मुझे बड़ा मेरा दिल दुख रहा है कि मैंने इतनी इन पर मेहनत की है तो मेहनत के बावजूद मैंने इनको कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया तो ये बिल्कुल ही मतलब मुरझा गए थे। मनी प्लांट तो मेरा ऐसा था कि मतलब ये वॉल पे लगा हुआ था, तो वो मैंने सोचा कि इसको मैं उतार के सेट करूँगी। दो चार दिन ऐसे ही ये बेचारा पड़ा रहा तो ये बिल्कुल ही नीचे गिर गया था, तो मुझे लगा ख़राब हो रहा, तो आज मैंने इसका काम करना है, इनको जगहों पर रखना है, इनके जो लीव्स हैं इनको धोना है, अच्छे तरीके से इनको पानी देना है। बस बालकनी में मैंने रखा है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब मैं आपको दिखाऊँगी तो पूरा सेटअप दिखाऊँगी कि कैसे मैंने किया है। फिलहाल मैंने इनको पानी दिया है, पत्ते इनके धोए हैं, तो यहाँ पर ये देख लें जी, मैंने बिरयानी के लिए जो है पानी भी बॉयल कर लिया है, चावल मेरे बॉयल हो चुके हैं। बस मैं ते वाली बिरयानी बनाती हूँ, मुझे ते वाली बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, तो बस अभी ते लगाऊँगी। बस जी, ते वाली बिरयानी में मैं दो ही ते लगाती हूँ, बस एक किलो बिरयानी मेरी थी उसमें बस दो तेल लगा लूँगी, बाकी हर चीज़ बस धनिया पुदीना और टमाटर ऊपर ये मैं डाल दूँगी। खैर, तो बिरयानी किस किस की फेवरेट है, हम लोगों के यहाँ तो बहुत शौक से खाई जाती है बिरयानी, हफ्ते में एक दिन तो लाजमी बनाई जाती है, तो मेरी मियाँ को ये बहुत पसंद है। तो उसके अलावा ये कि जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ ना तो मेरी बहन मुझे बहुत याद आती है, बहनोई याद आते हैं, मेरे हाथ की बिरयानी उन्हें बड़ी पसंद है, तो वो शौक से खाते थे, उनको भिजवाती थी। आजकल अब दूर हो गई हूँ तो मैं जब भी बनती है ना तो बड़ा मुझे वो याद आते हैं। तो खैर, मैंने आज सोचा हुआ था आज तो बिरयानी मैंने नेबर्स को पहुँचानी है, तो इसलिए मैंने जल्दी क्योंकि ये लोग जल्दी सो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं आज जल्दी ही बना लूँगी और उन्हें ना बाद में गरम करके दे दूँगी। बस यहाँ पर कपड़ा लगा कर मैं दम दूँगी, इससे बड़ा अच्छा दम आता है। फिर जी, मेरे शाम का टाइम हो गया था और मेरे बड़े सर में दर्द हो रहा था, तो बड़ा दिल हो रहा था मेरा तेज़ पत्ती वाले ना चाय पीने का। तो आजकल मैं बहुत ज़्यादा, हालांकि सर्दियाँ भी स्टार्ट नहीं हुई फिर भी मैं इतनी ज़्यादा चाय पी रही हूँ, सर्दियों में चाय मैं खूब दबा कर पीती थी, लेकिन आजकल मौसम फिर ऐसा हुआ, तीन चार दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, तो लेकिन दिल मेरा फिर भी वही है कि नहीं, मैंने चाय पीनी है और बार बार पीनी है, मुझे खुद हैरत हो रही है क्यों, बस सर दर्द हो रहा था, मैंने सोचा चलो चाय पी लेती हूँ। अफ़ान के बाबा घर पर थे नहीं, उन्होंने गाड़ी काम करवाना था तो वो घर से बाहर थे, तो मैंने बस अफ़ान के लिए और अपने लिए चाय मैंने डाली है, तो अफ़ान की चाय मैंने बंद कर दी थी, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी कर दिया मैंने। तो खैर, ये देखें जी मेरी बिरयानी को दम लग चुका है, तो कैसी मज़ेदार और खूबसूरत बिरयानी लग रही है देखें, और टेस्ट भी इतना ही अच्छा है। बस बिरयानी को मैं ज़्यादा मिक्स नहीं करती, तो वरना मिक्स करो तो वाइट चावल सारे मिक्स हो जाते हैं, फिर एक ही कलर नज़र आता है, फिर चावल वाइट नज़र ही नहीं आते, तो इसलिए मैं ना मसाला ज़्यादा मिक्स करती नहीं हूँ, जब डालना होता तो तब डाल के दे देती हूँ। तो बस मेरा रायता भी तैयार हो गया था, तो इसके साथ मुझे सैलड, ये वाला सैलड जो है ना, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है मिक्स सा, तो रायता मैंने बना लिया, सैलड भी बना लिया, अपनी पूरी तैयारी कर ली है। और मैंने नेबर्स के लिए, मैंने अभी भिजवाना था, मैंने उनके लिए प्लेट निकाली, मैं डेकोरेट करके सब, और मतलब कि मैंने, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने वीडियो बनानी है उसकी, और मैं उनको देख कर भी आ गई। खैर कोई बात नहीं, तो उसके बाद मैंने ये सैलड बनाया था उनके लिए, तो मैंने नॉर्मल कट करके मैंने भेजा था। खैर चलें जी, मेरा बड़ा दिल हो रहा है बिरयानी खाने का, तो मैं फ़ौरन से खा लेती हूँ गरम गरम। तो ये देखें जी, ये मेरी प्लेट है मज़ेदार सी, और इसके खाने के बाद मुझे रात की क्रेविंग में चाहिए था फ्रूट चाट, पता नहीं आजकल मुझे क्या फ्रूट चाट की क्रेविंग हो रही है, तो मैंने सोचा चलो अपने लिए फ्रूट चाट बना लेती हूँ, तो यहाँ मैंने अपने लिए फ्रूट चाट बना लिया।
क्रेविंग जब भी होती है ना मुझे रात में ही पता नहीं क्यों होती है, और मतलब रात में जैसे 12 बजे के बाद होती है, फिर दिल करता है बंदा बनाए और खाए। बस यहाँ पर रेडी होगी, इसको मैं फ्रिज में रखूँगी, ठंडा करूँगी, फिर खाऊँगी। चलिए जी, वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।